शर्म लिहाज है कोई? जानते भी हो हम कौन है? और हम जानते हैं आपके बारे में। शर्म लिहाज दोनों को पानी पानी करने वाली टैलेंट है आप। वुमेन्स ऑफ मिर्जापुर। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही कमाल की हैं ये मिर्जापुर की हसीनाएं। जब भी मिर्जापुर वेब सीरीज में ये किसी एपिसोड में आती हैं और अपना जलवा दिखाती हैं, तो ऑडियंस के दिल में खलबली सी मच जाती है। इस चेहरे से तो आप वाकिफ होंगे, सीजन 2 और सीजन 3 में अपनी बोल्ड अदाओं से सबको दीवाना बनाने वाली और जेपी यादव की जान जरीना, जिसका किरदार निभाया है अगनशा विश्वास ने, सीजन 2 में जेपी यादव को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सीजन 3 में इसकी मुलाकात फिर से जेपी यादव के साथ हुई, जहां पर दोनों की केमिस्ट्री हमें दिखाई गई। अब इसकी नजर सीएम की कुर्सी पर है। क्या ये माधुरी यादव की सरकार गिरा देगी या फिर किसी और की, ये तो हमें सीजन 4 में ही पता चलेगा। मिर्जापुर का रास्ता जानते हैं ना? आ जाइए, वापसी की गारंटी हम नहीं देंगे। मिर्जापुर के सीजन 2 से ही ये 5 फुट की हसीना गोलू गुप्ता गुड्डू पंडित के नजदीक आना चाहती थी, लेकिन बीच में कभी शबनम और कभी बीना त्रिपाठी। लेकिन सीजन 3 की एंडिंग में आखिरकार गोलू गुप्ता को उसका प्यार मिल ही गया है। इस किरदार से छोटे त्यागी की खुशी देखी नहीं जाती। सीजन 2 में गोलू गुप्ता ने बड़े त्यागी को मरवा के रख दिया। जब सीजन 3 में छोटे त्यागी सलोनी की तरफ थोड़ा अट्रैक्टिव होने लगी, तो खुद ही गोलू गुप्ता ने सलोनी को भी मार दिया। मुन्ना की मौत की जिम्मेदार मिर्जापुर की गद्दी है, और अब हमारा मकसद है उस गद्दी को खत्म करना। माधुरी यादव। जी हाँ, मिर्जापुर की सीएम बनी माधुरी यादव का किरदार निभाया है ईशा तलवार ने, और दोनों सीजन में अपने हुसन के जलवे बिखेरती हुई नजर आई है। सीजन 2 में इसकी एंट्री विधवा के तौर पर हुई थी, और फिर से सीजन 3 में हमें ये विधवा के तौर पर ही दिखी। जिस जिससे इसको प्यार या शादी होती है, उसका मिर्जापुर वेब सीरीज में मरना तय है, चाहे वे मुन्ना भैया हो या फिर शरद शुक्ला। अब सीजन 4 में पता नहीं किसकी बारी है। बीना त्रिपाठी। जी हाँ, मिर्जापुर वेब सीरीज की बीना त्रिपाठी, जिसका किरदार निभाया है रसिका दुग्गल ने, तीनों सीजन में इसने अपने हुसन के जलवे बिखेरे हैं। सीजन 1 में कालिन भैया से खुश न होने के कारण वह राजा के पास चली गई, लेकिन बाऊजी ने राजा का बाजा बना दिया और बीना फिर बाऊजी के साथ, लेकिन बीना ने सीजन 2 में बाऊजी को भी मार दिया। सीजन 3 में बीना गुड्डू पंडित पर डोरे डालते हुए नजर आई, लेकिन गुड्डू पंडित बीना के हाथ नहीं आए। और सीजन 3 की एंडिंग में अब है मकबूल भैया की बारी। मकबूल भैया क्या बनेगा मिर्जापुर सीजन 4 में बीना त्रिपाठी का सैया, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। मिर्जापुर सीजन 3 में जिस कैरेक्टर ने सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ बटोरा है, वह है मिर्जापुर की सलोनी भाभी। जी हाँ, त्यागी खानदान की बहू सलोनी, जिसका किरदार निभाया है नेहा सरगम ने, मासूम चेहरा कातिल अदाएं, जो समझ नहीं पाई कि वह छोटे त्यागी के साथ है या बड़े त्यागी के साथ। इस बार छोटे त्यागी या बड़े त्यागी, जो भी आप समझे, इन दोनों की लव केमिस्ट्री हमें देखने को मिली। सीजन 4 में भी सलोनी का किरदार रह सकता है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी मिर्जापुर वेब सीरीज की कातिलाना हसीनाएं। आपको कौन सी हसीना सबसे अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हाँ, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मुलाकात दोबारा फिर से हो सके। तो चलते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।